खींचो यार थोड़ा सा। शिल्पीराज सिंह जी, आपने क्यों नहीं रखा जी अभी? आज 69 इयर्स पूरे हो चुके हैं, तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। आप गिटार के माध्यम से आप क्या साबित करना चाहते हैं? हैप्पी जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो जो है आप देखिए, हम गाएंगे आपके सामने। हाँ, बार बार दिल, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू दिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कॉन्स्टिट्यूशन, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप महिला हैं तो आपको यहाँ क्यों आई हैं? आप तो क्यों आए हैं? आप महिला हैं तो महिला को तो घर से बाहर निकलने दिया जाता, तो आप क्यों आए? बाबा साहब ने हमें यही तो अधिकार दिया है। सबसे पहले पुरुष को ही तो थे जिन्होंने संविधान में महिलाओं को पूरा अधिकार दिया है उसी चीज को बनाने के लिए। बाबा साहब ने जो इतना स्ट्रॉन्ग संविधान बनाया जिसने पूरे किए हैं के लिए यहाँ पर आए। आप कहिए कि बाबा साहब ने जो हो, अभी मैडम बोली कि बाबा साहब ने संविधान को बनाया, महिलाओं के लिए बनाया, तो महिलाओं के लिए ऐसे क्या लिख दिया संविधान के अंदर? आज आप लोग खुशी हैं, आपके चेहरे एकदम खिल रहे हैं, बहुत अच्छे खुश नजर आ रहे हैं। वो दिए हैं दर्जा कि मतलब कि ये नहीं है कि महिलाएं कि गुलाम है, यहाँ पे आदमी औरत सब बराबर है, मैं पूरा बराबर का दर्जा दिया है, इसलिए हम खुश हैं। आपको क्या बराबर का दर्जा दे दिया बाबा साहब ने जो आप लोग इतने खुश हैं? नहीं, हमें बराबर का दर्जा, आज हम यहाँ सबके सामने खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, इतनी पढ़ने का अधिकार दिया, हर चीज का हमें अधिकार दिया, बराबर का अधिकार है हमारा जी। कहनी है बराबर का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, कपड़े पहनने का अधिकार, घर से निकलने का अधिकार दिया है, और अच्छी एजुकेशन लेने का अधिकार दिया है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है लेडीज को, और आपका मेटर्निटी लीव्स उन्होंने दी है 6 महीने की, जो हर एक औरत का अधिकार होता है। लेकिन मैडम आप भी बताएं, आप कह रहे बाबा साहब ने अधिकार दिए, लेकिन अभी बाबा साहब ने ये भी बोला था कि आप करवा चौथ बनती रहे हैं, और ये जो दिवाली मनाते हैं, दिवाली नहीं, 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 हम दिवाली भी नहीं मनाते। क्या बाबा साहब ने मना कर दिया था दिवाली? नहीं, 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 नहीं किया था, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते, केवल बाबा साहब को ही मानते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करते। तो बाबा साहब को आप भगवान मानते हैं? आप हमारे लिए भगवान हैं, हमारे लिए भगवान हैं। तो आप उनकी पूजा करते हैं या उनकी हम उसके सिद्धांतों को मानते हैं, आप पूजा नहीं करते हैं, उनकी बताए हुए राय पे चलते हैं, और उन्होंने जहाँ तक हमारा कर्म बढ़ाया, हम उसे और आगे ले जा रहे हैं। हम अपने समाज को और जितना उन्होंने संघर्ष करके समाज को यहाँ तक पहुँचाया, हम उनके जो वो चाहते थे उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं कि हम लोग जाति पाति को मिटा दें, सब जगह समानता का अधिकार हो और सभी लोग बराबर हों, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। बस जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स उन्होंने बताई कि भगवान बुद्ध भगवान मतलब बुद्ध भगवान तो नहीं है, वो भी एक महापुरुष ही थे, हम उनके ही सिद्धांतों को मानते हैं, बाबा साहब ने फॉलो किया, जो उन्होंने टीचिंग हमको दी वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, हमने किया। आप लोगों ने कहा? उन्होंने कहा ही नहीं हमारी पूजा करो, ये तो लोग बनाते हैं।